Dale, solo. चलो गुड मॉर्निंग. झालं झालं नाही झालं नंतर बघू आपण काय. जन्मादन सर ना काल गेले ना, हार्ट अटॅकनं गेले. हार्ट अटॅक से गए सर. तो हम जब सर कुंभ में मिले थे सर से, तो इतने ब्रिलियंट आदमी ना वो, रसशास्त्र के बारे में बैठे बैठे ही रसशास्त्र के बारे में सारा डिटेल बताते थे. इतना ब्रिलियंट व्यक्ति थे रसशास्त्र के बारे में. तो बहुत बड़ा लॉस है. 2 साल पहले पानसे सर गए, अभी महादेवन सर गए. यंग थे ये सारे, शुरू झाले का. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो ये अच्छे अच्छे लोग गए, तो लॉस है आयुर्वेद के लिए. लेकिन लीजेंडरी पर्सनैलिटी थे. मैं उनके पास जाना चाहता था तभी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, लेकिन नहीं जा पाए. और उनसे कुंभ में मुलाकात हो गई. बहुत हंस हंस के हमने रात गुजारी थी. इतना हंसे थे सर, बोले थे पेट दुख रहा है क्या. तपन कुमार सर को बोल रहे थे मरगाओ मरवाओ कि क्या सर, कितना हंसा रहे हो. असं तर ते भारी. सर गेले आपल्यात, सर नाही आहे. सरांचा सर का रसशास्त्र पारद और पोटली बहुत इस्तेमाल करते थे सर. जो हम 5वें महीने में, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में कलर का बोलते हैं ना, जैसे नांदेड़ में वो महालक्ष्मी आई थी. महालक्ष्मी और वो जो है वो प्रेगनेंसी की काफ़ी डिफ़िकल्ट केस थी. मीन्स बहुत बहुत डेंजर केस थी, प्रेशियस केस बोलेंगे ऐसा केस थी. तो वो कंसीव हो गई. हमारे पास 1.5 साल थी वो, 1 साल थी. और उसको बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, ट्यूबल ब्लॉकेज भी था, फाइब्रॉइड भी था, पीरियड में डिफ़िकल्टी थी, पीरियड भी नहीं आते थे बीच बीच में, हस्बैंड को भी काउंट बहुत लेस था. तो ऐसे समय में जो डिप्रेशन था वो बहुत रहता है. जिनको बच्चे नहीं होते उनको डिप्रेशन बहुत रहता है, और वो डिप्रेशन वो औरत को खाते जाता है. और जब घर में वो टीजिंग करने वाले औरतें रहेंगे ना दूसरे, तुझे बच्चा नहीं है, तुझे बच्चा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात होती है. तो वो जब हमारी पेशेंट थी, बहुत स्ट्रेसफुल, एकदम बोल नहीं सकते. तो ऐसे समय में वो एक तृप्ति रहती. मैंने बताया था ना, उन्होंने सबको खाना खिलाया था, हम गए थे और खाना खिलाया था, और वो तृप्ति मिल गई उसको. और उसके उसी महीने में वो प्रेग्नेंट रह गई थी. तो वो लेके आई थी, लेकिन क्या हुआ था, जब प्रेगनेंसी रह गई है तब मैंने कहा कि 2-3 महीने ज़्यादा लोगों को बताना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, ऐसा कहा था. और दिखाने को आ जाना, मुझे थोड़ा बोलो तो नहीं, मैं ज़्यादा लोगों को बात नहीं करना ऐसा कहा था मैंने. मुझसे भी बात नहीं की उसने. 9 महीने तक आई नहीं. तो मैं बता कह रहा हूँ, जो 5वें महीने में हम काम करते हैं, केसर देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, सारीवादी गन देते हैं, तो बच्चे गोरे होते एकदम चिकने होते. उसका साउथ ही बच्चा, टिपिकल साउथ बच्चा हो गया, लड़की होगी लेकिन टिपिकल साउथ एकदम. तो बहुत एकदम सही फीचर्स वाली होगी, लेकिन वो हम उसको गोरा कर सकते थे वो 5वें महीने में इस्तेमाल करेंगे तो. तो सर का पोटली का इस्तेमाल था. सर कहते थे अगर पोटली इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों में रंग अलग अलग दिखते हैं. तो तांबड़ा का रंगा तले क्रू होना उसके लिए पोटली देते थे. गौर वर्ण के लिए पोटली देते थे. कृष्ण वर्ण लेकिन चमकदार चिकना जो रहते हैं वो सर पोटली देते थे. तो वो रिसेस था. इसका मतलब क्या है, वो आदमी ने पोटली का इस्तेमाल कई सालों से किया. क्योंकि पहले प्रेगनेंसी रहना, रहने के बाद पोटली देना, और उससे कलर देखना, कम से कम 100 पेशेंट देखना एक पोटली के, और उसके बाद में दूसरे पोटली के देखना, तो ये बहुत बड़ा काम है सर का. और वो सर ने, सर के जो बुक्स है वो बुक में अच्छी तरह से दिया है, बहुत अच्छी तरह से दिया है. हाई लेवल के सर के बुक्स है, इंग्लिश में है, लेकिन वो मस्ट हैव बुक्स है सबके पास. तो किसी के पास नहीं है तो ले लेना, ऐसे है.
तो आज है चैत्र, चैत्र पाड़वा है, तो नूतन वर्ष शुरू हो रहा है। तो नूतन वर्ष में अभी वसंत ऋतु खत्म हो रहा है, लेकिन वसंत ऋतु शुरू होना चाहिए। वसंत ऋतु खत्म हो रहा है तो एक एक महीना लेट है सारा, एक एक महीना अर्ली और लेट ऐसा है। जैसे रमज़ान लेट आती है लेकिन अभी अर्ली है, तो ये सारा जो खेल है वो जावाया महीना, जमाई राजा का महीना जो है, उसको धोंडे का महीना कहते हैं, उसकी वजह से है एक एक महीना गड़बड़ है। तो हमें ऋतु भी वैसे बदलाव दिखते हैं। तो नूतन वर्ष है यहाँ पे, अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा, अभी जस्ट 10-15 दिन में ग्रीष्म ऋतु शुरू होगा। हमारे यहाँ तो शुरू हो गया ऐसा लगता है दोपहर को। तो ऋतु है, तो ये ऋतु के शुरुआत में जो हम वसंत ऋतु था पहले, तो वसंत ऋतु में तो शहद दिया है हर के लिए, अनुपान के लिए शहद शहद दिया है, क्योंकि कफ बढ़ता है ना। अभी क्या होगा, धूप से बहुत अंगार होगी, दाह शरीर में हो जाएगा और शरीर में डिहाइड्रेटिव चेंजेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसे समय में ड्राइनेस बढ़ जाएगा। तो ये बचा हुआ कफ अभी तक का जो है, बचा हुआ जो कफ है, क्योंकि क्या कहा है कि शिशिर वसु ऋतु में कफ बन जाता है शरीर में, और वसंत जैसे आएगा, वसंत की गर्मी से उष्णता की वजह से वो कफ पतला हो जाएगा और कफ के विकार हम सबको दिखेंगे, ऐसा था। इसीलिए वसंत ऋतु में हम सबको वमन करने को कहते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो क्या वो कफ का क्या होगा, वो कफ चले गया क्या? हाँ, चले जाना चाहिए, ऐसे ही करना है, एक तो वमन करना है या बाकी तो शमन करना है। तो थोड़ा बचता है और दाह शरीर में ज़्यादा होता है, तो दाह शरीर में ना जाए इसलिए चैत्र पाड़वा को क्या करते हैं, शीत चिकित्सा का आरंभ किया जाता है अभी। तो पंचामृत बनाया जाता है नींब का, विशेषता अभी देखिएगा, छोटे छोटे इतना काटे हुआ नींब का पेड़ है यहाँ पे, उसको फूल आए हैं, सारे नींब को अभी फूल आए हुए हैं, और वो जो नींब के फूल है वो बहुत ही शीत है, तिक्त और शीत है, वो कफ शामक है लेकिन दाह शामक भी है साथ में। तो आज से नींब के फूल या पंच तिक्त और शीत का ऐसा इस्तेमाल करना शुरू करना है। तिक्त तो चाहिए पहले वाला कफ, क्योंकि आगे जाके वायु उत्पन्न होने वाला है, तो आधे ग्रीष्म ऋतु तक या ऋतु संधि तक हमें तिक्त और शीत का इस्तेमाल करना है। अब ये नींब का फ्लावर आ जाता है, अब देखिएगा नींब का फ्लावर, कोई भी वनस्पति है वो कैसी रहती है। अभी देखो महादेवन सर के साथ ही हम बैठे थे, और तपन कुमार सर थे, अभिजीत सराफ सर थे, और हम रात में बैठे थे, हंस हंस रहे थे, तपन कुमार सर सबको हंसा रहे थे। तब एक बात निकल आई, तो तपन कुमार सर बोले कि मैं बता रहा हूँ कि जो हरित की है हमारे लिए तो पेट साफ करने की दवाई है, लेकिन वो पेड़ के लिए उसकी गोटियाँ हैं। बराबर, फूल जो है हमारा गुलाब का फूल है, हमारे लिए तो कुछ देने की भेंट वस्तु है, लेकिन उसके तो ओवरीज है ना। तो ऐसा है, तो उन्होंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जो वनस्पतियाँ हैं ऊपर तो है ही, लेकिन नीचे से उनके रूट्स कनेक्टेड रहते हैं, और वो रूट्स के थ्रू वो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं वनस्पतियाँ, और उसके थ्रू वो पढ़ाई करते थे, ऐसे लोग सर को मिले थे, वो बता रहे थे। तब माधवन सर ने भी कहा कि ये आयुर्वेदिक वनस्पतियों का जब इस्तेमाल किया जाता है, तब वो वनस्पति ना समझ के वो पूरे प्लांट को एक व्यक्ति समझ के अगर उसका हम विचार करेंगे तो हम ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं। जैसे कि पर्ण है या उसके जो शाखा है उसको हस्त समझना, उसके पर्ण है उसको उंगलियाँ समझना, या उसका फ्लावर जो है उसके जेनाइटल समझना, ऐसा समझ के अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। तब मैंने बात निकाली थी, एक एग्जाम्पल दिया था कि हाइपरटेंशन का, तो हाइपरटेंशन जो है बहुत लोगों को है, तो जब भी हमें फ़ोन आते हैं हाइपरटेंशन जब बड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ है, तो पेशेंट को क्या दिक्कतें आती है कि एक तो स्ट्रोक बैठता है, दूसरा अगर स्ट्रोक नहीं बैठा और पेशेंट का कंटिन्यूसली हाइपरटेंशन रहेगा, जैसे तो 100 में पेशेंट आया था तो उसकी किडनी जाती है,
हाइपरटेंशन की वजह से, या इपिटैक्सिस होता है, नेजल ब्लीडिंग होता है, या हेडेक होता है, सर दर्द होता है, यत्र संघ ख वैगुण्यात् व्याधिस् तत्र उपजायते। पेशेंट का जहाँ पे ख वैगुण्य है मीन्स वीकनेस ज़्यादा है, वहाँ पे वो हाइपरटेंशन दिक्कत देता है। कुछ लोगों की आँख चली जाती है, किसी को स्ट्रोक आता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, कुछ लोगों की किडनी चली जाती है। बराबर ऐसे समय में अगर हमें पेशेंट का फ़ोन आया, भैया हाइपरटेंशन हमारा 180, 190, 210, 240 है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्या करना है इमरजेंसी में, क्या करना, क्या करेंगे इमरजेंसी में? ब्लड लेटिंग करेंगे। सिंपल 80, 90, 100 ml ब्लड निकाल देंगे, वो वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, तो उसका जो कहीं से फूट के निकालने वाला जो ब्लड की टेंडेंसी है वो तुरंत बंद हो जाएगी, पेशेंट का इमरजेंसी बच जाएगी, जिसको रक्तमोक्षण, इमरजेंसी रक्तमोक्षण कहा जाता है, वो भी कर लिया हमें। फिर पेशेंट का जब 240 से उसका 180 तक ब्लड प्रेशर आ गया, फिर भी वो रिस्क फैक्टर दिखा रहा है, जैसे कि हेडेक है, या आँखों में पेन है, या यूरिन में कुछ तकलीफ दिखा रहा है, ऐसे समय में फ्लावर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब देखिएगा, नीचे से हम ऊपर तक जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग औषधि का अंग रहेगा, जैसे मूल रहेगा, मूल के बाद क्या रहेगा, मूल त्वक रहेगा, मूल आएगा, मूल तोक भी आता है उपयुक्त अंग कोई भी वनस्पति का, उसके बाद में क्या आता है, उसका जो बार्क है, स्टेम है, स्टेम आता है, उसका तोक आता है, उसके बाद में क्या आता है, शाखाएं आती हैं, उसके बाद में पत्र आते हैं, उसके बाद में फूल आते हैं, और उसके बाद में फल आते हैं, और उसके बाद में बीज आते हैं, और बीज मज्जा आ जाती है बाद में। अब बीज मज्जा से लेके देखेंगे, जैसा हमारा ये आँख है, आँख के अंदर जो है क्या है, नेत्रावयव है। आमल की फल देखेंगे, आमल की का फल जो है एकदम से आमल की है, या बीबी तक या हरित की है, बाहर से एकदम कड़क है, और उसके अंदर क्या है, मज्जा है, उसमें क्या है, तेल है, वो मज्जा का गामित है, इसलिए आमल की बीज मज्जा का जो भी औषधि आती है वो नेत्र के लिए हितकारक है। कवट है, कपित्त है, बड़ा है, वो फोड़ेंगे तो अंदर से क्या रहेगा, कपित्त रहेगा, और उसका जो कनेक्टेड थोड़े थोड़े छोटे छोटे ये भी रहते, वायर जैसे रहते, तो वो ब्रेन के लिए अच्छा रहता है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि पिंडिते ब्रह्मांडी न्याय से जो भी बाहर दिखता है उसके हिसाब से करेंगे। जैसे कि हमें अपराजिता वनस्पति उसका फूल देखेंगे, तो फूल का आकार कैसे रहता है, कर्ण जैसा रहता है, योनि जैसा रहता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्ण विकार में उसका, उसके जो फूल है सुखा के, जिनको कॉकलियर इम्प्लांट करने का बोला गया है, ऐसे व्यक्तियों को, बच्चों को, वो फूल है मैं इस्तेमाल करता था, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। नांदेड़ में तो इतना फेमस है ये हमारे सारे पेशेंट लोगों में, किसी का कान खराब है और मैं बोलूँ इसको सुनाई नहीं देता, तो जिनके घर में अपराजिता है वो बोलते मेरे पास से लेके जा, सब लोगों को पता है। तो इतना मैंने वो एडजस्ट किया है लोगों में, फूल तोड़ना है और वो फांट लेना है, यार चूर्ण बना के, औषधि बना के इस्तेमाल करना है, तो ऐसा वो है। तो निम्ब के बारे में मैं वहाँ पे बोल रहा था, जैसे सर बैठे थे, महादेवन सर बैठे थे, अभिजीत सर, आप सर बैठे थे, तो ऐसे समय में वो फूल का इस्तेमाल का हमने देखा कि नीचे से लेके मूल से लेके ऊपर तक सभी औषधि अंग है। तो पुष्प जो है वहाँ पे कौन से आयुर्वेद में पुष्प आए, अगर हमें देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा पलाश पुष्प समझ में आता है। पलाश पुष्प का उपयोग हम मूत्र विकार में कहते हैं, जब अभी आ रहा है पलाश पुष्प। दूसरा हम पुष्प का इस्तेमाल कौन सा करते हैं कि जपा पुष्प करते हैं, जपा पुष्प करते हैं, उसका इस्तेमाल बालों के लिए या मुख पाक के लिए आ जाता है, केश में भी है। तीसरा पुष्प का इस्तेमाल कौन सा करते हैं, जाई चे जाई जाति जाति पुष्प है, तो वो अलग अलग विकार में है। चौथा सबसे बड़ा पुष्प का इस्तेमाल कौन सा करते हैं हम, कमल, कमल हर जगह पे कमल 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 आता है, कमल का पुष्प आया था। और शालमली की करते हैं, शालमली से कंटक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पुष्प का भी होता है, साग के फूलों का इस्तेमाल होता है, और कहाँ पे होता है, पूग फल आता है, ये लवंग के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे गिने चुने ही हैं औषधि जिनके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उसके पीछे कोई जाता नहीं, ऐसा सर का कहना था जो कल सर गुजर गए। तो मैं निम्ब के फूल के बारे में बताता था। तो एक बार क्या हुआ, सर के पास पेशेंट आया था, सर ने ब्लड लेटिंग की थी, गोक्टे सर ने,
और ब्लड लेटिंग करने के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर नीचे आया था। तो मैं खुश हो गया कि अरे यार ब्लड प्रेशर की हमें ट्रीटमेंट मिल गई। पहली बार देखा था मैंने कि 240 वाला ब्लड प्रेशर का पेशेंट 180 तक आया है, ऐसा इमरजेंसी हमारे पास ट्रीटमेंट मुझे पता ही नहीं थी। अभी तो है हम भ्रूमध्य विद्या करते, बाकी विद्या कर्म करके उसको मेंटेन करते, लेकिन ऐसा होने के बाद दूसरे दिन वो इतने सारे फूल लेके आया। हाँ, और एक फूल का इस्तेमाल करते हैं हम, नारिकेल कुसुम का। ये जो नारियल है, नारियल का फल जो है इतना बड़ा आता है, उसके पहले छोटे छोटे फूल आते हैं वहाँ पे, वो फूल का इस्तेमाल प्रत्यक्ष ओज जैसा करते हैं। तो वही नारिकेल कुसुम वटी आती थी, वो नारिकेल कुसुम वटी शायद बैद्यनाथ की या डाबर की कुछ तो भी आती थी, और वो गुप्तेश्वर से ही प्रेरित होके आई थी, अभी बंद हो चुकी है नारिकेल कुसुम वटी। तो नारिकेल कुसुम का इस्तेमाल प्रत्यक्ष ओज जैसा कहाँ किया जाता है, तो राजयक्षमा जैसी व्याधि में, ट्यूबरकुलोसिस में, एसिड फास्ट बैसिला AFB टेस्ट अगर किसी को निगेटिव करना है तो उसका एकमात्र पोर्टेंट है। जैसे एलोपैथी में रहता है ना, बुखार आया है तो पैरासीटामोल, विल्सन डिसीज है तो पेनिसिलामाइन, एक ही ड्रग और एक डिसीज है। जैसे विटामिन बी डिफिशियंसी है तो क्या देंगे, विटामिन बी देंगे, सी देंगे क्या, नहीं देंगे। वैसे ही क्षय है, एसिड फास्ट बैसिला है, ट्यूबरकुलोसिस है, नारिकेल कुसुम, नारिकेल कुसुम वटी आती थी। नहीं तो क्या करते थे सर, नारिकेल कुसुम लेके उसका पाउडर बना के, उसकी बेसन की वड़िया बना के, जो हमें पसंद थे लड्डू बनाते ना, वो लड्डू बना के पेशेंट को देते थे, साथ में स्वामला और उसमें 64 प्रहर पिंपरी ऐसा देते थे, दो ही कल्प सर के रहते थे, 1 महीने के बाद टेस्ट करो, मोनोटॉक्स करो या AFB करो, निगेटिव। इतना, और मैंने कई बार इस्तेमाल किया, हमारे पास कई पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस के। पहले तो हिम्मत नहीं करता था मैं कि एक किटी बंद करो, एक किटी बंद करो, अभी तो कई लोगों का एक किटी बंद करवाता हूँ और किधर भी जाके पृथ्वी पे चेक कर लेते तो ऐसा है, तो ये अलग बात है। लेकिन वो फूल लेके आया था, नींब के फूल लेके आया था, नींब के फूल लेके आने के बाद तो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे आप सब रोज़ विद्या कुछ देखते हो और कुछ मैं अलग करने जाता हूँ तो सब आते हैं ना देखने के लिए, भाई ये क्या कर रहा है। तो ऐसे समय में वो अलग पुष्प लेके आया, तो मैं बोला अरे ये क्या है, तो सर ने पुष्प निकाल लिया, ऐसे निकाल के देख दी दिए हाथ में, रोज़ इतने रात में पानी में भिगो के लिए, भिगोने के लिए देना है, और सुबह वो पानी पी जाना। तो भीषण बोला हाँ सर मैं कर रहा हूँ, इसलिए तभी ठीक हूँ। मैंने पूछा उसको बाहर जाके, एयरप्लेन करायचं राहिलं आता, आवाज व्यवस्थित येतो का बघा, फोन आले की काय होते, गडबड होते, आता ते परत फोन करतात उचलेपर्यंत 15 मिनिट, फक्त बघा बोललेलं व्यवस्थित येत आहे का। तो उसने फूल लेके आए थे, तो वो कंटिन्यूअसली हाइपरटेंशन के लिए, वो ब्लड प्रेशर के लिए उसका फांट जो है अगर हम पेशेंट को देंगे तो काम में आता है। जैसे नांदेड़ में ये हमारे विटेकर फैमिली है, उनके पिताजी को हमने दिया है, राघव विटेकर के पिताजी को, तो उनको हाइपरटेंशन था काफ़ी, 190-200 तक जा रहा था, और मेडिसिन कुछ वो नहीं ले रहे थे। तो आयुर्वेद में कुछ है क्या, अगर ब्लड प्रेशर को कोई बोलेगा कि आपके आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर के लिए कुछ है जो कि लेने के बाद तुरंत ब्लड प्रेशर कवर हो जाए, तो वो दवाई है निम्ब पुष्प। वो निम्ब पुष्प लेना है, उसका फांट बनाना है, गर्म पानी में भिगो के रखना है रात भर, और सुबह भी रात के लिए भिगो के रखना है, 12 आवर्स भिगो के रखना है, और वो निचोड़ के उसका अगर हम पानी पी जाएंगे तो हाइपरटेंशन ये कंट्रोल करने में, जड़ से कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा होता है हमें। बाकी तो बहुत सारी दवाई आती है, रुद्राक्ष से लेके जटामांसी से लेके सर्पगंधा तक में पेशेंट दवाई मिलती है, तो वो हम अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फूल है, कभी भी अगर हम आप इस्तेमाल करना चाहते हो अलग अलग द्रव्यों के, तो पुष्प जो है, पुष्प ये स्त्री पुष्प और के जैसे अगर हम विचार करेंगे, और नष्ट पुष्प में जिसका रजक्षय हो रहा है, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, तो ऐसे समय में वो प्रकृति के अनुसार अगर हम पुष्प इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे उसका उपयोग अच्छी तरह से ज़्यादा मिलता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये अनुभव बड़े बड़े लोगों का है जो कहीं लिखा नहीं मिलता है, तो वो हमें पकड़ के काम करना है। तो निम्ब जो है वो तिक्त वाला है, तो अभी क्या होगा, कफ का क्षय, कफ प्रकोप हो चुका था, अभी कफग्न हमने इस्तेमाल किया है ऐसा सोचा गया है,
थोड़ा बचा हुआ कफ है लेकिन दाह बहुत बढ़ रहा है, तो ये निम्ब फूल जो है वो शीत बहुत है, बहुत शीत है, इतना सा भी लोगे अगर किसी को ठंडी बचती है छोटे छोटे हेतुओं से, तो उनको निम्ब का फांट लेने से तुरंत ठंडी बच जाएगी, इतना वो शीत है। तो दाह शमन के लिए वो शहद के साथ वो मिक्स करके अगर हम किसी को देते हैं तो दाह शमन, उष्णता शमन, जैसे षडंगोदक है ना, तो षडंगोदक में अगर निम्ब के फूल हम ऐड करेंगे तो हमारा शीत शमन में कार्य श्रेष्ठ हो जाएगा। देखिएगा, मुस्ता पर्पट कोशिर चंदन उदिच्य नागरही है, सारे द्रव्य तिक्त है, षडंगोदक बोला गया है दाह शमन के लिए, पिपासा ज्वर शांत है, तो ऐसा द्रव्य चाहिए हमें, ना अति स्निग्ध, अति शीत और तिक्त, क्योंकि बचे हुए कफ का पाचन करना चाहिए, पित्त शमन करना चाहिए क्योंकि दाह से पित्त भी बढ़ता है, कफ पित्त संप्राप्ति ज़्यादा होती है, वो कम करने के लिए हमें तिक्त द्रव्य, लेकिन वो अति शीत होना चाहिए, तो षडंगोदक से भी ज़्यादा शीत वाला वो काम में आ जाएगा, ये ध्यान में रखना। तो हमारे घर में हम क्या कहते हैं, पूरे साल भर मिट्टी का मटका नहीं इस्तेमाल करते पानी पीने के लिए, हम अभी निकालते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो ही मिट्टी के मटके में रात में इतने बड़े निम्ब के फूल हम डालेंगे तो घर वालों को ना समझते हुए भी सबकी दाह शमन हो जाए। अब क्या होगा, हीट एग्जॉशन हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक मीन्स क्या है, तुरंत वो गर्मी की वजह से पूरी तरह से ब्लड वेसल फट जाती है, तो फट जाएंगी तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, जैसे डेंगू में मर जाते हैं, डेंगू में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हिमोरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है ना, क्यों होता है, बुखार की वजह से होता है, डेंगू के ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से विचार करें तो ऐसे समय में हमें वो पित्त वृद्धि के कारण होता है, पित्त का द्रव्य गुण बढ़ता है, तो वो कम करने के लिए ये हमें तिक्त शीत और अल्प स्निग्ध ऐसा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें पेशेंट में काफ़ी बदलाव दिखेगा। तो ऐसा ये निम्ब है और ये हर जगह पे मिलता है, कहीं पे भी जाओ मिल जाता है। तो ये निम्ब जो है, निम्ब वृक्ष भारत देशे सर्वत्र रोहिंती, ये निम्ब वृक्ष भारत देश में सब जगह पे मिलता है। तस्य च पत्राणि कृन्तानि पुष्पाणि श्वेतानि फलानि पीतानि, फल जो पीता है। अब निम्ब के बारे में बोल रहे हैं तो और थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वो निम्ब के फल जो है पीते रहते हैं, तो शारंद रही संहिता में बालों के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है। वो क्या कहते हैं, अगर आपके वातज पित्तज कफज जैसे बाल हो रहे, जैसे बाल गिर रहे, बाल सफ़ेद हो रहे, बाल टूट रहे, बाल नहीं आ रहे, बाल मोटे नहीं हो रहे, तो ऐसे समय में ये तीन ही दवाई का इस्तेमाल करना है। पहली दवाई बताइए, बिभीतक बीज के मज्जा का तेल, बिभीतक मज्जा तेल हम इस्तेमाल करेंगे तो वात व प्रकृति में जिनके बाल फूट रहे, बाल छोटे हैं, बाल मोटे नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे, अल्प केश है, तो ऐसे समय में बिभीतक के मज्जा का तेल का नस्य अगर हम कर लेंगे तो काम में वो काम हो जाएगा। दूसरी बीमारी रहती है कि पालित्य, पालित्य मीन्स क्या है कि बाल सफ़ेद होना। पूरे आयुर्वेद की संहिता हम देख लेंगे तो पूरे आयुर्वेद संहिता में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसका हम कारण ढूंढेंगे तो पित्त वृद्धि, पित्त वृद्धि, पित्त वृद्धि आता ही है। जिन व्यक्तियों का पित्त बढ़ता है उनके बाल सफ़ेद होते हैं, जो जल्दी गुस्सा करते हैं उनके बाल सफ़ेद होते हैं, जो नमक ज़्यादा खाते हैं उनके बाल सफ़ेद होते हैं, जो ज़्यादा तीखा खाते हैं, जो ज़्यादा अम्ल खाते हैं वो उनके बाल सफ़ेद होते हैं। तो सफ़ेद होते हैं तो मैक्सिमम मिडल एज में होते हैं क्योंकि पित्त की बढ़ी हुई अवस्था रहती है। तो ऐसे समय में क्या दिया है कि ये निम्ब बीज जो है उसके बीज का तेल का नस्य करेंगे तो पलितानी केस में आया हुआ एकमात्र ऐसी दवाई है जो पालित्य कम करता है जल्दी, वो उसका नस्य आया है। और तीसरा आया है कौन बताएगा, कफ के लिए ढूंढो, मैंने दो बताए, एक आप ढूंढो, चार अंदर के ही तीन योग आए हैं कफज के लिए, निर्गुडी भी आया है वहाँ पे, निर्गुडी का नस्य हम करेंगे तो कफज के लिए इस्तेमाल आया है। तो ये तीन ऐसे द्रव्य हैं जो बालों के लिए काम में आते हैं। तो निम्ब जो है उसका फल जो है वो काम में आता है, पंचांग सारा पुष्प से लेके मूल तक निम्ब का इस्तेमाल किया जाता है।
निम्ब का पत्र का रस जो है काफ़ी अच्छा गुणकारी है, शीत है, लेकिन वो पत्र का रस नहीं का निकाल सकते पुटपाक विधि बिना। अब जब भी पुटपाक विधि के थ्रू हम काम कर रहे हैं, देखिएगा हमने ले लिया शतावरी, ले ली मिक्सर में घुमा लिया रस आ जाता है, हमने बटाटा ले लिया घुमा लिया रस आ जाता है, लेकिन निम्ब का नहीं होता, बिल्व का नहीं होता, उनको पुटपाक विधि करना पड़ता है। वो कूटना है उसको, उसके ऊपर गेहूं का आटा डालना है और वो गर्म करना है एकदम अग्नि में, और वो हीट अंदर जाएंगी वो आटा के थ्रू। तो जैसे कि हम घर में बैठते पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, और ऊपर से पत्थर है मेटल के, तो जो हमें घर में गर्मी आती है वो गर्मी हमें निम्ब पत्र को देना है, और बाद में निचोड़ लेना है तो सरस निकालना है। तो देखिएगा अग्नि संस्कार के बाद में जो हमारे शरीर में खाना हुआ है, हमने भूख लगी है, हमने अन्न खाया है, अन्न खाने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ है और आगे जाके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा अग्नि संस्कार के बाद। तो अग्नि संस्कार के बाद डाइजेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे दिक्कत कब आती है, वैसे समय में ये दो वनस्पति आ जाती है, बिल्व निम्ब, ये पुटपाक आ जाते हैं। तो प्रोसेस के अनुसार भी वो कार्य रहता है, तो वो वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो निम्ब तिक्त है, तस्य विपाक कटु, तिक्त है कटुपाकी है और शीत है, मीन्स तिक्त है रसको, उसका विपाक है कटु, मीन्स तृतीय अवस्था पे काम करेगा, और वहाँ पे शीत वीर्य है तो दाह शमन करने वाला है। तो तथा तो लघु है रुक्ष है, रसेन विपाकेन वीर्येन निम्ब वातम वर्धयति। लेकिन ध्यान में रखना निम्ब खाने के बाद वात बढ़ता है, रुक्ष है रस तिक्त है तो वात बढ़ेगा, लेकिन शीत के कारण दाह पित्तम शमयति। अभी वात बढ़ने से फायदा है क्या? अभी वात बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है, स्निग्ध है कफ बढ़ा हुआ, इसलिए हम रुक्ष उद्वर्तन करते हैं। व्यायाम कौन से महीने में ज़्यादा करना है? वसंत ऋतु में ज़्यादा करना है व्यायाम। हम कब करते हैं व्यायाम? शिशिर में करते हैं, हेमंत में करते हैं, लेकिन व्यायाम कौन से महीने में करना है? व्यायाम करना है वसंत ऋतु में करना है। तो और सर्वगुण से कफ हंति करेगा, सर्वगुण से कफ का शमन करेगा, सर्वगुण ही निम्बह कफम हंति, सारे गुण से। तो अभी तो दाह शमन का चाहिए हमें, और बचा हुआ कफ भी कम करना है, इसलिए निम्ब का इस्तेमाल ये वसंत ऋतु में एंड में ज़्यादा करना होता है। वृक्षत्वात लघुत्वात निम्बो रसादि स्निग्ध धातुन कर्षयति, कर्षण करेगा धातुओं का। तिक्तत्वात शैत्यात रक्तगतम क्लेशम क्लेदम विशोषयति। तो कफ घ्न है, क्लेद कम करने वाला है, क्लेद मीन्स पित्त और कफ दोनों भी आता है, पायला लगता ही ना है, समझत कसने। तो और पित्त शमन करने वाला है, तो कफ पित्त की बीमारी क्लेद वाली बीमारी कम करने वाला है, तो ऐसी बीमारी मिलती है त्वचा विकार। आप देखिएगा आरोग्यवर्धनी हमारी है, रसगंध लोह ब्रशुल भस्म समाशकम त्रिफला द्विगुणा पुरुषता त्रिगुणम चिता शलाजतु चतुर्गुणम पूरम शुद्धम, गूगल भी नहीं मिलता है, और तिक्ता सर्व समाधनीया ऐसा आया है। और वहाँ पे निम्ब पत्र दला निम्ब दलाम्ब अभिमर्त है द्विविधना अवधि ऐसा आया है। तो निम्ब पत्र के अम्ब के ऊपर मीन्स पानी के ऊपर निम्ब पत्र का जो पानी है वहाँ पे उसको घोटना है। तो आरोग्यवर्धिनी त्वचा के ऊपर ज्वर के ऊपर काम में करेगी, कफ पित्त इसमें काम करेगी, ऐसी आरोग्यवर्धिनी में निम्ब पत्र आया है। तो ये निम्ब पत्र है, निम्ब जो है वायु बढ़ाएगा, लेकिन कफ पित्त की श्रेष्ठ दवाई है निम्ब। तो रक्त प्रसाद यदि, इसीलिए सारे कुष्ठ जो है हमारे क्लेद से होते हैं, कफ पित्त से होते हैं, तो सारे कुष्ठ विकार में निम्ब बिंदास देना है, सारे कुष्ठ विकार में निम्ब बिंदास देना है। रक्त प्रसादना त्वगतम त्वगत क्लेद दाह कंडुच निम्ब प्रशमति। जैसे कुछ लोगों को जैसे डायलिसिस जिनको चालू है और जिनको कुछ तकलीफ है, ऐसे सारे लोगों को क्या था, ये वसंत ऋतु जैसे शुरू हुआ उनको खुजली शुरू हो, बूढ़े लोग जिनको इकोस्प्रिन चालू है ऐसे भी लोगों को खुजली शुरू हुई थी। तो इन सारे लोगों को हमने केपी बनाया था निम्ब डाल के। तो केपी जिनको जिनको ज्वर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे उसका उपयोग अच्छी तरह से हो रहा था।
रुक्षत्वात लघुत्वात तिक्तत्वात पित्तदुष्टम कफदुष्टम च स्तन्यम निम्भ शोधयति। तो स्तन्य कफ पित्त सारे विकार में निम्ब आ जाता है, आम ज्वरे आ जाता है, पित्त जे कफ जे ज्वरे दोष समानांतर दाह समानांतर। देखिएगा क्या दिया है, ज्वरस्य दाहे, ज्वर के दाह में निम्ब पत्रा नाम कल्के न लेप है, निम्ब पत्र के कल्क से लेप करना है। तो निम्ब पत्र के कल्क का लेप और कहाँ पे आ जाता है, हम पिंडी बनाते हैं नेत्र के लिए, तो वहाँ पे अगर क्या बताया गया है, चक्षुहु तेजोमयम तस्य विशेष श्लेष्मनो भयम, तो कफ पित्त जो ज़्यादा आँखों को तकलीफ देती है तो बाहर से हम निम्ब की पिंडी करते हैं तो उसमें फायदा होता है। सुतिका अवस्थायाम निम्ब प्रशस्त ससुति का ज्वरम हंती, निम्ब पत्र के जो ये है क्या कहते हैं हम बेड है वो इस्तेमाल किया जाता है ज्वर में, जो कफ पित्त ज्वर है उसमें ज्वर की बहुत ज़्यादा ये है अपेक्षा जो है, तो ऐसे समय में वो दाह शमन के लिए निम्ब पत्र का बेड बनाया जाता है। निम्ब पत्र ऐसे रखेंगे और उस पर सोने को देना है, एकदम से एकदम बढ़िया लगता है, दाह ज्वर निगुण जाता। पित्तजे कुष्ठे कफजे कुष्ठे रक्तजे कुष्ठे निम्ब प्रशस्त, अरुषिका पामा कंडू क्लेद विचर्चिका गजकर्ण निम्ब म्हणती। लोग क्या बोलते हैं, निम्ब है एंटीबायोटिक है, निम्ब है एंटी फंगल है, नहीं, निम्ब है कफ पित्तक नहीं, क्लेदक नहीं, रुक्षक नहीं, ऐसा कहना। तो आपके पामा में आपके किसी में भी अगर कफ पित्तक है वो जाएगा, वातज है तो नहीं जाएगा। अगर किसी को पामा है जिसको गचकर्ण है वो वातज है तो निम्ब से बढ़ेगा, तो उनको ये नहीं पता, वो एंटी फंगल नहीं, ये बोलते बैठते लगा लगा के परेशान रहते। तो निम्ब को तो इतना मार्केट में लाया है, सारे निम्ब की क्रीम नीम युक्त, दंत धावन नीम युक्त, नीम युक्त ऐसे दुष्ट व्रणे व्रण धावनार्थ काम में आता है, कृमि रोग में काम में आता है। तृष्णायाम जरस्य तृष्णा निम्ब पत्र क्वात शमयति तथा पित्त जो है तृष्णायाम पे निम्ब प्रशस्त। आप देखिएगा कहीं भी पुष्प का वर्णन नहीं देते हैं, पुष्प को बाजू में रखा है, तो पुष्प पे स्टडी करने वाले इस्तेमाल करने वाले कुछ अलग लोग हैं, उनको पारंपरिक ये रहता है, नॉलेज रहता है वो कैसे इस्तेमाल करना है। प्रमेय में भी आया गया है, निम्ब कफजम पित्तजम च प्रमेय मानती तिक्तत्वात रुक्षत्वात शरीरगतम द्रवम कफम क्लेदम स्नेहम च शोषयति। स्नेह का भी शोषण करेगा निम्ब, तो ध्यान में रखा रखना है, वृक्ष है। कामला में भी काम में आ जाएगा, जहाँ पे हमें कफ पित्त शमन करना है, शोषण करना है और शीत भी चाहिए, तो ऐसे समय में निम्ब आता है। निम्ब और छत्तर में फर्क क्या है, दोनों भी तिक्त है, दोनों भी शीत है, लेकिन निम्ब ये वृक्ष है और शतावरी स्निग्ध है, तो हमें वो समझ के अगर काम करेंगे तो निम्ब का उपयोग ज़्यादा आता है। तो देखिएगा अगर किसी व्यक्ति का बीपी जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन वो स्निग्धता खाने की वजह से हेतु मिल रहे हैं हमें, संतरपंजन्य हमें हेतु मिल रहे हैं, तो ऐसे ही पेशेंट में निम्ब के फूल का इस्तेमाल होता है, सब में नहीं होगा, नहीं तो बीपी बढ़ा है सर ने बोला है देंगे और मुझे भेजेंगे बीपी अपरेटस का फोटो, सर कम तो नहीं हुआ। तो नीम हकीम खतरे जान नहीं होना है, कौन से पेशेंट में इस्तेमाल करते वो अगर हम देखेंगे तो इसका फायदा होता है। अब हमारा एक श्लोक पढ़ेंगे और हम पाड़वा का बंद कर का है? तू उठला तरच करेल इथून, तू तिथं बस खाली, मी वाघबड वाजन करते, ऐक ना, मी काय तुम्हाला प्रश्न विचार नंतर, तुला काय कळलं ते कळेल ना मला। ए श्लोक कोणता आहे, 106 चालू आहे। हाँ हमने वो अमृत कल्प हमने वो बनाना है ना, आवळी का 106 झाला ना, 107 हम देखेंगे आज। हाँ धात्री फलविदारी 100 हम पढ़ रहे हैं, अष्टांग हृदय जिसको वाग्भट कहते हैं, वाग्भट संहिता मराठी में है, वही अष्टांग हृदय मिल जाएगी, उसका अध्याय चालू है चिकित्सा स्थान, और अध्याय तीसरा चिकित्सा स्थान का कास चिकित्सा, श्लोक नंबर 107। दात्री फल विदारी इक्षु
जीवनीय रसात घृतात गव्यात जयोश्च पयसो प्रस्थम प्रस्थम विपाचे सिद्ध पूते सीता क्षौद्र द्विप्रस्थम विनय ततत यक्ष्मा अपस्मार पित्त अश्रुक अश्रुका कास मेह क्षयापहम वयस्थापनम आयुषम मांस शुक्र बलप्रदम। देखिएगा ये भी दिया है मांस शुक्र शक्ति बढ़ाना है, क्षय रोग में अपस्मार में आया है, घृतम तो पित्ते भी पीते अभ्यधिके लियात वातादिके पिबेत लीढ़म निर्वापयत पित्तम अल्पत्वात् गृहन्ति नानलम आक्रमान्ति अनिलम पित्तम उष्मानम निरुद्धन्ति च। कितना अच्छा श्लोक है, देखो पित्त बढ़ गया है तो तूप देना है, वायु बढ़ा है तर कैसा दिया है, घृतम तो पित्ते अभ्यधिके लियात, अगर पित्त बढ़ा है तो घृत का चाटन करना है, वातादिके पिबेत वात बढ़ा है तो घृत पान करना है। देखिएगा लीडम मीन्स चाट के लेहन करने के घृत का लेहन करने के बाद क्या करेगा वो पित्त की शांति करेगा, निर्वावयत पित्तम और अल्पत्वात् घ्नन्ति न अनलम। उन्होंने क्या किया है, घृत लेने का विधि बताया गया कास में, पित्त है तो घृत का चाटन करवाना है, उसके उससे क्या होगा कि वो दोष कम करेगा पित्त, लेकिन मात्रा कम होने की वजह से लेहन संस्कार की वजह से न घ्नन्ति अनलम अग्नि को खराब नहीं करेगा, इसलिए बच्चों में लेहन संस्कार आया है क्योंकि अग्नि इम्पोर्टेंट है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हम देंगे तो अग्नि दूषित हो जाएगी, इसलिए लेहन देना है तो क्या होगा दोषग्न हो जाएगा। आगे क्या दिया है, आक्रामन्ति अनिलम जो भी है अगर पियेंगे तो क्या हो जाएगा वायु को फटाक से वो करेगा, लेकिन जाटराग्नि को किंचित कम करेगा। तो ऐसे वात विकार जहाँ पे अग्नि अच्छा है लेकिन वात विकार बहुत बड़ा है, ऐसे वात विकार कौन से मिलते हैं, पक्षवद मिलता है, खंज पांगुल्य मिलता है, बराबर खंज है पांगुल्य है लेकिन भूख तो नॉर्मल लगती है, तो ऐसे समय में घृत आए हैं वात विकार अध्याय में, तिल व घृत आया है, अलग अलग प्रकार की घृत आए हैं, स्नेह आए हैं, उनका पान करना है, उससे क्या होगा आशुकारी से वायु शमन हो गया और अग्नि भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो कितनी बड़ी कंसेप्ट दी है प्रैक्टिस में देखिएगा, क्षाम क्षीण कृष्णांगानाम एतानि एव घृतानि तु त्वक् श्री पिप्पली लाज चूर्ण ही पानानि योजेत सर्पी गुणान समध्वंसान कृत्वा दद्यात् पयो अनुच रेतो वीर्यम बलम पुष्टिम तैहि आशु आशुतरम आपनुयात। अशक्त क्षीण व कृष ऐसे व्यक्ति को घृत वंशलोचन पिंपली लाया इनका चूर्ण डाल के देना चाहिए, घृत साथ में देना चाहिए, क्योंकि दोष अगर घृत से क्या होगा क्लेद बढ़ेगा कफ बढ़ेगा वो ना बढ़े, इसलिए पहले से उसके साथ में ऐसा देना है। मद घातलेले सर्पी गुड़ करून घ्यावे, देखो शहद डाल के देना है वो उसके ऊपर दूध पीना है, इसके योग से रेत वीर्य शक्ति व पुष्टि फार त्वरित प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो ऐसा है, आगे का श्लोक है, वितत्वात् त्वग् अस्ति कुष्मांड तुलाम स्विन्नाम पुनः पचेत घट्टेन सर्पिश्च प्रस्थे क्षौद्र वर्णे यत्र च क्षिपेत खंडाश्च तम कन शुंठ्यो द्विपलम जिरकादपि त्रिजात धान्य मरीचम पृथक अर्धपल्ला शंकर शर्करम अवतारित शीते च दत्वा क्षौद्रम घृतार्धकम खचेनाम मथ्य च स्थाप्यम तन निहंती उपयोजितम कास हिद्मा ज्वर श्वास रक्त पित्त क्षत क्षयान उर संधान जननम मेधा स्मृति बलप्रदम अश्विभ्याम विहितम हृदयम कुष्मांडक रसायन। देखो कुष्मांड रसायन कुष्मांड कुष्मांड ये एक में रसायन है हमारे यहाँ पे फेल्यूर गया है, जितनी बार कुष्मांड रसायन करने का हमने सोचा है उतनी बार वो गड़बड़ हुई है, तो कुष्मांड रसायन के बारे में ऐसा आया है तो कुष्मांड रसायन ये आध्यात्मिक औषध है, जैसे अश्विनी ने बनाया ना तो वो आध्यात्म के सारे द्रव्य करना है, जैसे कुष्मांड के ऊपर अगर हम ये नहीं करते हैं मंत्र वगैरह नहीं पढ़ते हैं या हम आध्यात्मिक शुद्धि नहीं करते हैं तो ऐसे समय कुष्मांड रसायन बनता ही नहीं, हमारे क्लिनिक में अभी तक एक बार भी कुष्मांड रसायन सक्सेसफुल नहीं बना है, पहली बार बनाने को गए हमने हमारे सबसे सिंसियर लड़की को दिया तो उसने जला के ले ली पूरा शरीर, पता है ना गुजरात वाली डोईजड़े
पायरच जळून गेलं त्याच्या सगळं लग्न आहे 15 दिवसांत सगळं पाय जळून गेलं. तो पुरा पण दुसरी बार बनाने गए तो पुरा कुष्माण जल गया. तीसरी बार बनाने गए वो शक्कर ही ज़्यादा डाली. और चौथी बार बनाया और उसको फंगस लग गया तीसरे ही दिन. वो खोल के देखने की हिम्मत नहीं हो रही. तो ऐसा है क्योंकि सारे समय में मैं नहीं था. तो ऐसा है. तो अभी हमने डिसाइड किया था कुष्माण रसायन जब मुझे टाइम है तभी हम बनाएंगे, क्योंकि छोटी स्मॉल मिस्टेक भी नहीं चलती है. तो ये जो कुष्माण रसायन है वो अश्विनों ने बनाया है. अश्विन कुमार ने बताया. तो ये आध्यात्मिक रसायन है. तो क्या क्या है उसमें, जो हमारा कुष्माण्ड है उसका गिर लेके उसका उसको थोड़ा सा स्वेदन देके उसमें घी डालना है. वो आवड़ा सरके शिजवाएं जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं वैसे उसको ये करना है, भर्जन करना है. उसको मध का वरना जैसे रेडिश बन जाता है तो उसमें शक्कर डालनी है, पिंपली डालनी है, सुंठ, जीरे, दालचीनी, वेलची, तमालपत्र, धनिया, मरीच ये चूर्ण डालना है. और बाद में ठंड होने के बाद, छीट होने के बाद शहद डालना है. रवि ने, रवि मीन्स वो खजेन, वो घुसुन 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 ठेवाए थे. ये अश्विनी कुमार ने बताया हुआ हृदय प्रिय कुष्माण्ड रसायन सेवन अगर किसी ने किया है तो उसका कास, उसका हिक्का, उसका ज्वर, उसका श्वास, उसका रक्तपित्त, उसका उरक्षत, उसका क्षय, ये रोगों का नाश हो जाएगा. और ये उरक्षत भर के लाने वाला, धारणा शक्ति, स्मृति व शक्ति देने वाला रसायन है. जैसे थोड़ा चलने के बाद भी कास आता है वो कार्डियक अस्थमा कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का ये काम में आता है. इसलिए कल नाना नांदेड़ में 2 पेशेंट आए थे, एक छोटा बच्चा था और एक बड़े थे. और कल रात में आई वाली जो औरत है वो जो चलने के बाद उसको दुख रहा है, ऐसे व्यक्तियों को ये धारणा शक्ति, स्मृति, कास, हृदय विकार, हृदय कुबल्ले वाला कुष्माण्ड रसायन फायदे में होता है. पिबेत नागबला मूलस्य अर्धकर्षादि वर्धितम पलम क्षीरयुतम मांसम क्षीरवृत्ति अन्नभुक् एष प्रयोग पुष्ट आयु बलवर्णकर परम मंडुक पर्ण्या कल्पोयम यष्ट्या विश्वौषधस्य च. कितना सही कल्प आया. देखो देखिए यार, रसायन वाजीकरण से भी अच्छे कल्प यहाँ पे हैं. वो तो व्याधि के लिए आए रसायन, वो तो अच्छे व्यक्ति ने पीना है. तो ये व्याधि के रसायन आए जो हम सबको आते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है या हृदय विकार है, वो सारे कास में हमें मिलते हैं. तो गांगरुक पिबेत नागबला जो है उनका मूल जो है पहला दिवसीय अर्धा, दूसरे दिवसीय एक, तीसरे दिन ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा के लेना है वर्धमान मात्र में. ये दूध के साथ लेना है. कुछ भी अन्न न खाता दूध पे रहना है. ये प्रयोग पुष्टि शक्ति आयुष्य वर्ण उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करना है. इसी प्रकार से ब्राह्मी ज्येष्ठमध व सुंठ इनका भी कल्प आया है. कितना सही दिया है. वर्धमान मात्रा में ज्येष्ठमध खत्म बात. आज आधा चम्मच, कल 1 चम्मच, परसों 1.5 चम्मच, 10 चम्मच तक लेके जाना है. दिन भर दूध से रहना है, बाकी कुछ खाना ही नहीं है. बुद्धि स्मृति के लिए बहुत सही है. अगर किसी को MD की तैयारी करनी है और बार बार फेल हो रहे हो तो ज्येष्ठमध का उपयोग अच्छा करना है, क्योंकि ग्रहण शक्ति अच्छी बढ़ाता है वो. ना 2-3 बार MD करके क्या फ़ायदा, तैयारी करके फिर भी नंबर नहीं लग रहा है. तो फिर ज्येष्ठमध का काम करना है, या ब्राह्मी का काम करना है, या सुंठ का भी है वर्धमान. हो जे रात्री येत नाहीत ना ते परीक्षेचा अभ्यास करायला असतात, बरं का, माहीत असतं मला. पादशेषम जलद्रोणे पचेत नागबला तुलाम तेन क्वातेन तुल्यांशम घृतम क्षीरेन पाचेत पलार्धिके चातिबला अबला बला यष्टी पुनर्नवी प्रपौंडकरी प्रपौंडरिक काश्मर्य प्रियालक कपिकच्छुभिः अश्वगंधा सीता भीरु मेधा युग्म त्रिकंटकैः काकोलिक्षीर काकोलिक्षीर शुक्ला द्विजीरकैः एतत् नागबला सर्पी पित्त रक्त क्षत क्षयान जय त्रुड ब्रह्म दाहाश्च बल पुष्टिकरम परम वर्ण्यम आयुष्यम ओजस्यम वलिपलित नाशनम उपयुंज च क्षणमासात वृद्धोपि तरुणायते. कसलं भारी दिलं आहे. 6 महीने खाना है, वृद्ध भी तरुणायते, बूढ़ा भी आदमी तरुण बन जाएगा, ऐसा कल्प दिया है. 6 महीने खाना है, खाली बोलना है मेस वालों को मुझे डब्बे में यही देना है, मैं तेरे पास दे रहा हूँ. क्योंकि लोगों से करवाना होता है, वही डब्बा आया तो हम वही खाएंगे. भूख बहुत लगी है, मेस का डब्बा आया है अंदर कुष्माण्ड रसायन, ऑप्शन ही नहीं है, वही खाएंगे, दूध पियेंगे. भाई जान दे, पहले भूख
शमन करेंगे। तो ये क्या दिया है, उपयुंज षण्मासान, 6 महीने बाद क्या होगा, वृद्धो अपि तरुणायते, बूढ़ा भी क्या हो जाएगा, तरुण बन जाएगा। अब सारे बूढ़े तो नागबला 1/4 काढ़ा करना है पानी में, उसकी काढ़े की इतना ही घृत डालना है, दूध डालना है। जो कहते हैं मुद्रा बला ज्येष्ठ मद अति बला बला ज्येष्ठ मद पुनर्नवा कमल गंभारी चारुली कवच बीज अश्वगंधा खड़ी साकर शतावरी मेधा महामेधा गोक्षुर काकुली क्षीरदारी जीरक शाहजीरक, ये प्रत्येक दो दो तोला डाल के घी सिद्ध करना है। ये नाग बला घृत रक्त पित्त उरक्षत क्षय तृष्णा भ्रम दाह वली पलित इनका नाश करेगा। ये अतिशय शक्तिवर्धक अतिशय पौष्टिक, इसके युद्ध से वर्ण आयुष्य ओज ये बढ़ेंगे, ये 6 महीना लेंगे तो मातारा मनुष्य भी तरुण जैसा तरुणायते ऐसा हो जाएगा। तो नागबला मिलेगी नहीं, पहले नागबला कौन सी है इस पे ही वाद है। कोई बोलता है इसको नागबला, कोई बोलता है उसको नागबला, हर एक प्रांत की नागबला अलग अलग है। कोई बला को ही नागबला बोलते, कोई अति बला को नागबला बोलते। कुछ मैं गया था उत्तराखंड में, जा रहा था तो वो वहाँ पे स्टूडेंट बोला सर ये नागबला, मैंने बोला ये कब से नाग बन गई, ये तो अति बला है। नहीं बोले सर यहाँ हमारे यहाँ तो नागबला बोल के सिखाते। बोला ठीक है आपकी नाग है हमारी अति है, खत्म, बला तो है ही। तो ऐसा ये जो बला है वो बहुत बल्य है, लेकिन उसका घी करके देना है, ऐसा नहीं लेना, इजी नहीं है। तो तरुणायते नो तो इजी आयते ऐसा है। तो इति चैत्र प्रथम दिन हमारा वाग्भट पाचन संपन्न, बाकी का कल बुधवार परसों देखेंगे गुरुवार को। चलो बाय बाय। ए चल रे साइकिलिंग ला, त्याच्यासाठी थांबले ते।